यीशु मसीह में वो लोग जो आज एक और साल देख रहे हैं 2023, आप नहीं जानते थे, जब आपने गुजरा साल नया देखा तो आप नहीं जानते थे कि मैं अगला साल भी देखूंगा या ना देखूंगा। लेकिन याद रखे कि खुदा के लोग ईमान पर और उम्मीद पर मौजूद रहते हैं, इस ईमान के साथ मांगते हैं, इस उम्मीद के साथ खुदावन से मांगते हैं, कमजोरियों में खुदावन से मांगते हैं, लाचारी में खुदा से मांगते हैं, बेरोजगारी में खुदा से मांगते हैं। याद रखिए मेरे जीरो, खुदा का शुक्र करें, आप किसी ऐसे मबूद की प्रस्तुत नहीं करते जो सुन नहीं सकता, जो आपकी दुआ को नहीं सुन सकता, जवाब नहीं दे सकता। आप कुछ नसीब मसीही लोग हैं कि आप उस मबूद की प्रस्तुत करते हैं जो क्या करता है, कौन सा ऐसा मबूद है मुझे बताए जिसने दुनिया से इतनी मोहब्बत की। बहुत कुछ हम देखते हैं, कलाम हम पढ़ते हैं, सुना भी हमने किसी के खुदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ, खुदा मौजूद था, खुदा मौजूद था और ग्रह के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह सारी की सतह पर जुम्बश करती थी, यानी जब कुछ भी नहीं था तो कौन था, खुदा मौजूद था। वो आज भी है, मौजूद है, कहां पर है, हमारे दरमियान, जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं क्या होंगे, वहां पर मौजूद होऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। शाम को तो देखो खुदा का मकसद एक ही था, लोग बीसे तौबा करो, क्या करो, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही क्या है, बहुत नजदीक है। भाई कमाल जबूर की आपको क्या कहवाना, वो पड़ेगा ना पढ़ बोल देता हूं, वक्त आ गया है कि खुदावंद कलाम करे, वक्त आ गया है कि खुदावंद, क्योंकि उन्होंने मेरी शरीयत को बातल कर दिया। हवाला मैं जबूर कौन सा क्या हुआ, वो वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि खुदावंद कलाम करे। क्या खुदावंद पहले कलाम नहीं करता था, बागे आदम में वो कलाम करता था, हर रोज आता था बनी नौ इंसान के पास, और वो इंसान जो खुदा ने जिसे बनाया जिंदगी का दम फूंका, पैदा नहीं किया, बनाया था, ही वॉज नॉट बॉर्न, और उससे वो हर रोज मिलने आता था। खुदा इंसान से बड़ा प्यार करता है, बड़ा दुख हुआ उसके। याद रखे कलामे मुकद्दस में एक ही सबसे बड़ा गुनाह है, बताएगा कोई कौन सा गुनाह है, खुदा के रूह के खिलाफ करना, तो ये भी है सबसे बड़ा गुनाह,
नाफरमान। पढ़ाई से पढ़ना शुरू कर दे, पूरा पुराना अहदनामा शुरू कर दे, आपको नजर आएगा, पता चलेगा कि हर मकाम पर जब भी खुदा नाराज हुआ, क्यों नाराज हुआ? नाफरमानी हुई। बागे दिन में क्या हुआ? बागे दिन में क्या हुआ था? कौम बनी इसराइल जिसे खुदा ने निकाला मिस्र से, 4000 साल की गुलामी से निकाला। बड़े खुश थे, कपड़े उन्होंने अपने मिस्र के लोगों से इकट्ठे कर लिए, सोना चांदी जो भी था इकट्ठा कर लिया। हम 3 दिन के लिए दार जा रहे हैं, वापस आओ। कुलसम पर पहुंच गए, फिर गुड़बड़ाना शुरू हो गया। 4000 साल की आजादी उनकी जिंदगी का नया साल, 4000 गुलामी के बाद अभी कुलसम पर ही पहुंचे तो गुड़बड़ाना शुरू कर दिया। उसी करिए डुबांगे, आप भी डूबे थे, सामने भी डूबे थे, बुरा भला कहा होगा जरूर मूसा को, उन्होंने जो भी कह सकते थे, मूसा मूसी तक मरने ले आए थे। जान रखे इंसान कभी भी मुतमईन नहीं होता, बुड़बुड़ाना नाफरमानी कुट कुट के उसके जिस्म में पड़ गई, कुछ नहीं। हर पल खुदा से बरकते भी लेता, खुश भी होता है, फिर नाफरमानी। कुलसम के 2 टुकड़े खुदा ने कर दिए, बड़े खुशी से निकल गए, और जब कोसी नदी तक पहुंचे तो फिर बड़े बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया। ऐसा बुड़बुड़ाना शुरू किया, बुत बनाने शुरू, बना के रख मूसा बन के हो नहीं होगा। मूसा चला गया है, अब नहीं वापस आएगा। 40 दिन 40 रात सिर्फ इंतजार नहीं करते होगा। हम 40 दिन रोजे रखते हैं, दुआ में रहते हैं, इससे लोग ज्यादा भी करते हैं, इंतजार करते हैं कि खुदावन हमें पाक रूह से और खुदावंद अपनी बरकतों से और खुदावंद अपनी नेमतों से हमें माला माल करेगा। आमीन। यही मकसद होता है ना, अपनी जिंदगी को तब्दील करने के लिए हम खुदा के पास घुटनों में आके झुक जाते हैं। ओ लॉर्ड प्लीज ब्लेस अस, मुझे माफ कर रहा है खुदावंद, जो मुझसे खुदा हुई है मुझे माफ कर रहा है खुदावंद। इसराइल भी यही करते थे, और जब मूसा वापस आया तो फिर उसी बछड़े को ओट के पी गया। ये है वो खुदा, मेरा खुदा ऐसा खुदा नहीं है जिस महबूद की मैं प्रस्तुत करता हूं, वो जिंदा खुदा है। और वो लिखता है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना खिलौना बेटा बख्श दिया। दुनिया में ऐसी भी मसाले हैं यहां उसके बाद भी खुदा के अलावा, इब्राहिम ने किया या नहीं किया? एक और बादशाह का हमारी किताब, जब वो जंग पर गया जलादी के कबीले में से, और उसने खुदा से वादा किया कि मैं जब वापस लौटूंगा तो क्या करूंगा, जो चीज मुझे पहले मिले मैं उसकी क्या कर दूंगा। कौन मिला उसे? एक ही बेटी, बेटे। हमारे कुछ बेटे बेटियां घराने एक ही बेटी को भी तरस गए और हम उनके लिए हर वक्त दुआ गो रहते हैं,
ईमान रखते हैं वो भी, दुआ करते हैं वो भी, फिर भी दुआ करते हैं खुदा एक नबी का नाम एक बेटी मुकर गया। उसने खुदा एक किस्म का आईटी का वादा दिया था और खुदा ने उसे जंग में फतह दी थी। ये वो लोग हैं जो अपने खुदा से मांगते हैं, ये वो लोग हैं जो खुदा के नाम पर और खुदा के लिए हर चीज कुर्बान कर देते हैं। उसने बेटी को कहा ये तूने क्या कर दिया? बेटी मुकर गई नस गई? नहीं, बाबा जो कुछ तूने आज किया है वो मैं पर मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं क्या करूं। एक महीना अपनी सहेलियों के साथ खेल कूदा जी, बाप अफसरदा है। जब वो वापस आए तो वक्त आया उसे कुर्बान कर दिया। ये है ईमान, ये है वो कुवत। मांगे खुदा से खानों से दुआ करें अच्छी बात करते, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने हर वक्त क्या कहा था? जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान भी रखो। पादरी साहब ने ईमान न रखी फायदा। यीशु मसीह बगैर ये कहे भी उनको शफा दे सकता था, दे सकता था, लेकिन ताकि वो अपनी जिंदगी में ये याद रखे कि ईमान से ही सब कुछ मिलता है। और जब जब लोगों ने शिफा पाई, जब जब लोगों ने खुदावन से जो कुछ ही मांगा ईमान के साथ जिन्होंने मांगा उन्होंने फौरन पाया। पाया? यस, बिल्कुल पाया। कभी नहीं मुड़े, कभी नहीं वो पश्चिम मत होते थे, कभी नहीं वो यहां से कल वहां, वहां से कल वहां। पुलिसिया ने चलिए उन्होंने चल, पादरी साहब ने चलना और पादरी साहब मकसूद। हम अपने आप को जांचे, मैं कहां खड़ा हूं। अब्रानियों का खत पहला बाप बारह बाप उसकी पहली आयत पढ़ेंगे मैं कमाल था। बस जब ये गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है जी, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सबक से दौड़े। हम उस दौड़ में सबक से दौड़े। कौन सी दौड़ है? जो हमें दरपेश है, जो हमें घेरे हुए है। कौन? गुनाह। 2022 में आए हुए भटके भूले, कुछ कहा भी होगा किसी को बुरा भला, फॉरगेट। उस दौर में दौड़े सबर के साथ, तहम्मद बर्दाश्त। खुदा यीशु मसीह को 10 कुवारियां मिलने गई, 10 गई थी तैयारी के साथ। आज ये दूल्हे को मिलेंगे, यीशु मसीह को मिलेंगे, 5 रह गए। कितनी बहन है यहां पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तैयार होके आई है कलाम सुनने के लिए, मेरी शादी में नहीं।
मसालों में तेल है कि नहीं, खुदा पे अर्जू वो अपने दिल में वक्त आ गया है, और जब वक्त आ गया तो पांच के पास तेल ही नहीं था। सही कर बोलेगा था, पैसे नहीं थे शायद उनके पास उसको, या उन्होंने पूरा तेल इतना खरीदा ही नहीं था कि पता नहीं। वक्त आ गया 2023 विरोध, कितने लोग हम में से, इतने चेहरे हम देख रहे हैं बच्चों, क्या हम 2024 देखेंगे पूरी? कल कितने लोग सोए आज सुबह नहीं उठे, पता है आपको कितनी अमवात हुई, कितने एक्सीडेंट हुए चले गए इस दुनिया, और आदमी के मरने के बाद उसका नाम भी नहीं लिया जाता। क्या कहा जाता है किसी को याद है? बोले मैयत किथे पई, ये कहा जाता है, राइट? नोबडी विल से योर नेम। पास्टर जॉन किथे ने, कोई नहीं कहे। अगर आपका नाम जानता है तो वो जब आप दौड़ में दौड़ते हैं तो नाम के लिए दौड़ते हैं, इसके लिए दौड़ते हैं, एक निशान सामने होता है, दौड़ने वाले के सामने एक निशान है, क्रॉस लाइन लगी होती है, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन प्राइजेस होते हैं, एक नंबर वाला जो पहले पॉइंट तक दूसरा पॉइंट, दौड़ यीशु मसीह की दौड़ में ऐसे नहीं होता, ओनली वन, पहला नाम, दो नंबर नाम को नहीं देना। प्रस्तुत निजात नहीं है, मैसेज देना निजात नहीं है, क्रिसमस सजाने निजात नहीं है, त्योहार या दिन मनाने निजात नहीं है, निजात एक ही है और वो है खुदा यीशु मसीह और उसका क्रॉस सलीब ही निजात है। आपको दौड़ना, आपके सामने निशान कौन सा है? उठे जाएगा बुर्गनी खान को दे रहे, यू हैव टू रीच टू द क्रॉस। 2023 में भाई तो फैल, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है, मजीद आपने बड़ी कोशिश की, अपने बच्चों को इकट्ठा किया है, हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह जैसी नेमत खुदा सबको अता फरमाए। आपने हर बार दुआ की है, दुआ से मांगा है, खादिमों से मांगा है कि आए मेरे घर में दुआ करें, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, खुदा देगा, कंटिन्यू उसके पास, कम टू द क्रॉस, किसी से बाबे बोलेगा, सबसे बड़ा बाबा खुदा मुझे सुनती है, आए हमारे बाप तू जो आगे, तेरा नाम पाक माना जाए, वही पाक हस्ती है, कलाम वही है, उसने कहा और हो गया, रोशनी हो जा रोशनी हो गई, किसी ने कहा नहीं वो 20 दिसंबर को क्या हुआ, 25 दिसंबर को क्या हुआ, मैं बता देता, शाम होती सवेरे होती सूरज चढ़े, आपके पिता का नाम
यही कुछ हुआ ऐसा ही हुआ कुछ अजीब नहीं, ऐसा ही वहां पर हुआ। शाम हुई और सुबह हुई, पहला दिन हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पूरी दुनिया को साइंसदान मुल्क सुपर पावर लगी हुई है। खुदा ने 7 दिन में मुकम्मल कर दिया। आज भी दुनिया में कोई चीज मुकम्मल नहीं हो सकती। आज मैं कल सुन रहा हूं, रोटी 25 रुपए की, नान 35 रुपए। अखबार की किताब में पढ़ी, एक ही तंदूर में रोटियां पकती जाएंगी, आटा कम किया जाएगा, हो गया, वजन कम कर दिया गया, और सब वहां से खाएंगे, लेकिन शेर नहीं। वक्त सख्त से सख्त आने वाला है। आपने कुछ नहीं अभी देखा, जो दौर हमने देखा है भाई, तो फैल आपको भी याद हो, चार आने का पाइया दूध, 3 रुपया इधर किलो दूध, 2 बोरी वाला पैसा हो गया, 4 रुपए का एक आने का मरूदा लेना, रोटी लेने बल्ले बल्ले। देखिए वो दिन नहीं है, मोहब्बत इत्तेफाक गांव में, वो किसी मसीह की बेटी है या किसी और की, पूरे गांव की बेटी होती थी। या जी शादियां होती थी, जमींदार दूध लेके खा के ला गया हमें, आज अल्लाह ने तेरे धी का ब्याह है। देखें वो वक्त नहीं रहा, अब जिसका है उस पर बस फर्गर, भाई भाई नहीं रहा, बहन बहन नहीं रहा, तो फर्के जुदाइया नफरतें बिदते बस गोइया, नो मोर, और कुछ नहीं। लेकिन वो लोग जो खुदावन के लोग हैं, वो कलीसिया जो खुदावन की कलीसिया है, चर्च ऑफ क्राइस्ट, नाम जब देते हैं ना बड़ा गौर कर रखते हैं, बट हम क्या कह रहे हैं, चर्च ऑफ जॉन नहीं, चर्च ऑफ शिजार नहीं, चर्च ऑफ दान नहीं, से बात हुई है चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह कलीसिया। फखर से अपना सब ऊंचा किया करें, वी आर द मेंबर्स ऑफ चर्च ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, बहुत सारी तालियां। ऊपर कलीसिया किसकी है, जीसस क्राइस्ट की। मौत किसी वक्त भी आ जाएगी, दौड़ना है, कंटिन्यू रन रन, ताकि आप उस दौड़ को मुकम्मल कर सकें। 70 साल लग गए, कोई बात नहीं, 80 लग जाने कोई बात नहीं, पुराने को लिमिट नहीं रखी। 70 साल की उम्र में भी आप खुदा को कबूल करते हैं, उसकी गवाही देते हैं और ईमान ले आते हैं, खुदा फिर भी कबूल करते हैं। 70 साल हो गए, और भी करना, 80 साल हो गए, जिंदगी, तंदुरुस्ती, सलामती, ये सबसे बड़ी खुदा की नेमत है। मैं कई बार कहता हूं शुक्र करें कि सुबह आपकी आंखें खुल गई। कौन से लोग देखने आप सुनते होंगे, कहीं चंगा बड़ा काल सुता थे, सवेरे उठे ही नहीं, वो ऐसे बहुत सारे हार्ट अटैक। अभी हमारे एक कदीस थे पास्टर सिद्धार्थ साजिद फैमिल हो रही है, मीर प्रकाश में है ना, कराची में है, और सुन के ठट्ठा में उनके ससुर की डेथ हो गई, जब हमने वहां पर मेरी सबसे बातचीत कराई, 60 साल उम्र, मां अभी उसकी जिंदा है, 60 साल। जब उसकी मां मेरे साथ अफसोस के लिए मेरे को
सलाम दुआई उतर काल दे चंगा पनाश जा तक कनाडा के भारत है पूरा वक्त नहीं है कि इंतजार करें आप रोज आज कभी देखी जाएगी वो अगले जुमे का इंतजार मत करें कल के दिन का इंतजार ना करें आज वक्त है आपका कि इससे पहले के 2023 की तारीख कौन सी है संडे को उसका इंतजार ना करें नवा साल पे आना है तीन चार दिन हमने आपको मुबारकबाद दे दी है हमने आपको खुशखबरी दे दी है हमने आपको बता दिया है दौड़े दौड़ पीते और वो इनाम जो खुदावंद यीशु मसीह आपको देना चाहता है उस सलाम को हासिल कर क्रिसमस नाम गिफ्ट मिलना मेरा गिफ्ट किसे नाराज हो जाते लगे बिगड़ जाते अभी आपने अपने खुदावंद से सवाल किया है मेरा गिफ्ट का माई गिफ्ट और जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा ये है गिफ्ट आपकी आपको याद है पहली क्या 4000 पहले हुई थी कब हुई थी जी सीकर 4000 4000 से पहले क्यामत कब हुई थी जब खुदा ने यीशु मसीह राइट यस जब वो कब्र पर उन्होंने सॉरी सलीब पर अपनी जान दी भूंचाल आया कब्रें तिरक गई और ये वो राष्ट्रवाद लोग से जो आज 4000 साल पहले खुदा उनके साथ साथ चलते थे 4000 साल के बाद उन्हें खुदा ने उनके नए कामों का अजर दिया वो भूलता नहीं है आज वो लोग आसमान पर हैं, इसके लोग गवाह हैं, कलामे मुकद्दस इसका गवाह है और लिखा हुआ है कि कब्रें तिड़की और जिस रोज खुदावन यीशु मसीह जिंदा हुए उस रोज वो अपनी कब्रों से निकले और आसमान पर उठाए गए और बहुत सारे लोगों ने इनको जाते हुए ये कौन लोग ईमानदार राष्ट्रवाद जो अपने खुदा के साथ साथ चलते थे आज बुलंद की उम्र कितनी हो गई 6000 साल ऐसा ही है जी किसी की 5 हो किसी की 3000 साल हो एंड दे आर अलाइव वो आसमान पर जिंदा है हालेलुया बहुत सारी तालियां जब वो जिंदा होता है जब वो अपनी जान देता है पूरी कायनात हिल जाती है तूफान भूचाल चट्टाने तिड़क गई और कमरे को फिर वो इस तरह आया वो फिर इसी तरह आएगा उसी मन हमारे साथ वादा किया हुआ है याद रखे इंसान हमेशा कमजोर रहा है इंसान हमेशा इसलिए 4:21 साइड पढ़े जरा भी नए साल में जा रहे हैं छोड़े आप पिछली बातें नाम भी कहते हैं फिर कहते हैं गलतियां हुई है खताएं हुई है बेवकूफियां हुई है हमसे झगड़े फसाद मेरी आपसे मिन्नत है इनको चर्च ऑफ क्राइस्ट से दूर करें उस नाम की दाद रखें आमीन आमीन सिर्फ उस नाम की दाद रखें मैं मसीह कलीसिया का पास्टर मैं मसीह कलीसिया का डीकन मैं मसीह कलीसिया का एल्डर हूं मैं मसीह कलीसिया का खादम हूं मैं कलीसिया मसीह कलीसिया का मेंबर हूं यानी मैं मसीह का मैं मैं उसके खानदान का एक हिस्सा जी क्या लिखा हुआ बल्कि तुम ने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु मसीह में है उसी की सुनी उसमें ये तालीम पाई होगी
कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फ्रेब की शेवतों के सबब से खराब हो जाती है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। क्या करना है? तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को 2022 उस बदले को देने की कपड़े छोड़ देने वो नहीं पाने फिर 2022 के लिए भेस बदला क्या हुआ फिर का कपड़े बड़े बदली जाओगे अगले क्रिसमस से फिर नवा जोड़ा चाहिए दिल कोई नहीं नवा साल कितने साल और मांगोगे खुदा मैनू एक दो साल हो गए मेरे बड़े कम बाकी ने वो कम नहीं जे मुकने बारद्या तक 70 साल के मैनू नहीं होंगे और कम कर देने अभी रह गया अज कोई बार आ जाएगी डैडी ये रह गया प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम हो गया प्रॉब्लम तो मुकने ही नहीं ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਟੁੱਟਿਆ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਕਰਲਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੇਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌੜ ਰਹਾ ਮੇਰੇ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ जैसे ही ने सिंगा फूका जाएगा फिर तो कमरे फिर जाएंगे पत्रकार भी उठेंगे उठेंगे सारे और राष्ट्रवाद वो हमेशा की जिंदगी के लिए और पदकार हाँ जी पदकार भी करेंगे हमेशा की हलाकत के लिए पीछे जाना है एक बड़ा सर हलाक होना है योर चॉइस जिंदगी पानी है तो याद रखे उसने वादा किया हुआ है जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि मैं इसलिए आपको अब ये बताया इन्हें तो कहने कहानी जी होनी है कि नहीं होनी 4,000 साल पहले पहली कियामत हुई थी और वो लोग जो राष्ट्रवाद थे ईमानदार थे खुदा के साथ चलते थे हलो कितने साथ चला 300 साल आपको याद है उसने कितने कौन कितनी उम्र में खुदा को कबूल किया जी 65 साल की उम्र में और फिर उसकी उम्र 365 साल जब वो खुदा के साथ चलना शुरू हुआ तो उसकी उम्र 65 साल थी आपकी क्या क्या उम्र जब आपने खुदा के साथ चलना उन्हें पूछा ना खुदा को 20 साल हो गए खुदा ने बीज बोया 25 दिसंबर को आपने बड़ी खुशी मनाई रूल कुदस का बीज बोया गया बंजर हो गए थे लोग बंजर जमीने बंजर इंसान ताकि जो कोई इस पर मान रहा है क्या ना हो बंजर ही रहना अपनी बरकत जो आज आपको खुदा ने दी हुई है गिना करें सोचा करें 2022 में खुदा ने मेरे साथ क्या क्या किया काउंट करें शुक्र करें शुक्र यहोवा दा ही करो दे करो शुक्र यहोवा अगे की करदा हूं वड़े वड़े काम शुक्र फिर भी शुक्र करो बड़े काम
दया आखिर में दस्ते हैं। आज आपको एक और बात बताऊंगे, तीन पेट पड़े हुए हैं, उसमें से मैंने एक नाम ले लिया। हम लोग भी बैठा ना पीछे ना, उस वक्त कुछ और ही आ गया। ये एक भी चीज मैंने इनको ऐसे नहीं है यहाँ से, बस पापा के इसमें नहीं था निकाले। जबूर 119 मैं आज सबको एक प्रॉब्लम करूंगा, नौजवानों को, बड़ों को, बेटियों को, सबको जबूर 119 2023 में एक दफा रोज पढ़ा करें। आपके वो वेदने 14 तबक रोशन होते हैं। तुम इसका औलाद चाहिए तो जबूर 119 पढ़े, जिंदगी चाहिए जबूर 119 पढ़े, गुनाह से छुटकारा चाहिए तो जबूर 119 पढ़े, मुसीबतों से आजादी चाहिए तो जबूर 119 पढ़े। पढ़े उसको थोड़ा थोड़ा पढ़े, बोले नहीं एक दिन सारा खत्म करना, 100 चाहिए। लेकिन इस तरह नहीं पढ़ता, आप दे जबूर नहीं पढ़ता, 10 पढ़े, 4 पढ़े, समझे क्या क्या कलाम कर रहा है वो, वो आपके लिए मेरे लिए। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी, इसी में है रोशनी, के बगैर आप नहीं चल सकते। कलाम रोशनी है, और जब आप उस रोशनी के साथ चलना शुरू कर देंगे तो फिर वो कहेगा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ रोशनी बन। और रोशनी क्या है? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए कलाम, रोशनी क्या है? और फिर उस रोशनी को, उस कलाम को ध्यान रखना। इतो सुने इतो कर दिया मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ जब गुनाह ना करो तो तेरे हमेशा की जिंदगी जब घर गुनाह पर डाल पाऊंगा, क्योंकि गुनाह से लड़ने के लिए कलाम चाहिए, खुदा की समझ चाहिए। शिक्षकों को क्या कहा था, मैं तुम्हें 3.5 साल से मदरी की थी, उन्होंने नसीब दे अद्धे बच्चे भी नहीं बने, ऐसे ही था भी बने, फिर भी शको शको मैं तुम्हें दूसरा मददगार वो जानता था। इंसान कमजोर है, अगर आप कमजोर ना और मैं कमजोर ना होता तो वो कभी दुनिया में पैदा ही ना होता, भी दौड़ की थी तेरा कलाम का नाम खुदा है, खुदा रूह कुदस है, खुदा बेटा है, खुदा खुद सब कुछ है, वही रूह है, वही बेटा है, वही बाप है, वही खुदा है। अगर आपके जिंदगी में खुदा है, इस दिल में खुदा है, कलाम है उसका, मैंने खुदा 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 मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, किस लिए? याद रखना, आजमा के देखे आप गुनाह से बचते हैं। भागेगा गुनाह, शैतान भागेगा आपसे, आए शैतान दूर हो ललकारो से। जब तक आपके पास तो कुवत रहे हैं, खाली मटके बगैर पानी, एक बात और मटके की वैल्यू जब उसमें पानी ऐसे ही, और मटका दूसरे को भरने के लिए अपना सर झुका देता है। बेजगार झुक जाओ, अपना सर झुकाओ दूसरों को भरने के लिए,
ਸਰੀਏ ਕੱਢ ਦਿਓ ਘੋੜਾ ਚੋਂ ਬੜੇ ਤੀਸਿਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੀ ਬਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪਾਲੀ ਪਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬਿਸ਼ਪ ਸਰਾਈ ਆਪਣਾ ਸਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਪਿਆਲਾ ਲਵੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਝੁਕਾ ਦਿਆ ਝੁਕਾਇਆ ਥੂਕਾ ਗਿਆ ਮਾਰਾ ਗਿਆ ਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਪ ਕੋ ਚੋਰੀ ਬਤਾਈ ਨਾ ਯੱਸੂ ਕਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਬਤਾਵੇ ਨੇ ਜੋ ਗਾਲੀ ਉਸਕੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਆਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੱਸੂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਆਇਆ ਨਾ ਸੁਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਤਨੀ ਨਸਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਂਟੇ ਮਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਆ ਉਸ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ If you were follower of Jesus Christ, you see, तुम में रहता है ना, तो बड़ा हौसला आप में होगा, मैं तो आज कर रहा हूँ। But गोलियां, नफरतें, बिजते, सब चीजें निकल जाएगी। Remove that from the church. Please, यहाँ से निकालें 2000 रुपए इस नेचर में। Please, for God's sake. Please, यहाँ नहीं बढ़ेगी ऐसे। तरक्की नहीं होगी। दिलों को साफ करें। अगर किसी के साथ भी है भी है कुछ उसे भी कहे भाई सौ साल मुझे याद है ये भाई जानते हैं यहाँ क्योंकि मेरे साथ यहाँ होता रहा ना कृषि लोग मुझे पता है तो भी पता कभी करवा नहीं पूछे ना कभी किसी को जा रहा हूँ तू क्यों मिलने नहीं आ रहा और यही सब अब लेके मैं आज भी दूसरे खुद आपके पास बुलाना मैं उन्हें पास्टर नहीं करना ना कह तेरे कहने बुला बड़ी बड़ी शख्सियां देखी मैंने भाई जानते वो हंस रहे हैं उनको पता है क्या क्या नफरत लोगों ने बोले मैं कहता हूँ अरे आपके अंदर उसी है तो आप सब कुछ बर्दाश्त करोगे आपकी दौड़ कहाँ है मुझे कलीसिया के नाम से कर रहे मुझे बोला आप खुशकिस्मत है सऊदी अरेबिया में सऊदी रॉक बैंड है पिछले हफ्ते में बड़े जोर शोर से एग्जैक्ट 16 पर ये बड़ा धमाका हुआ क्रिसमस का अब नेट पे देखे अगले साल इससे आप ज्यादा देखेंगे खुदा करे अगले साल वैसे ही ओपन हो आमीन दुआ करें इसके लिए मैं खुद जब नेट पे देख रहा था फोन नंबर भी आया मैंने करनी है कॉल कौन सा ये उन्होंने नाम लिया द रॉक सऊदी रॉक बैंड इसको ऐसी बनाई है ये तो नहीं कह सकते थे क्या ये ऐसा नाम नहीं लिखा उन्होंने लेकिन बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ कितने लोग आए हैं भाई ये पिछले साल में यहाँ पर अमेरिका से तीन आखिर अभी हाल में स्वीडन अभी हाल में बेल्जियम से ये खुदा उसने उस दुआओं का जवाब आपको मिला मुश्किल में भी हम यहाँ पर लगे रहे डरते भी रहे ऐसा दिन बड़ा खतरा होता भाई पता है दो बंदे बाहर खड़े हो गए होंगे तो मैं दो दफा दे रही सब कुछ था लेकिन दुआ नहीं बंद हुई बंद कल भाई जुवेद वीरू ने बहुत देर बाद कांटेक्ट हुआ कनाडा में बहुत बहुत सबको सलाम दिया यूनियन का मुझे खो गया था ठीक है कहना और ये सारी मैंने रिपोर्ट उनको बताई है कि यात्रा को बीत गया हैरान हो गए हाँ भाई ओके ठीक है और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा
और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी। एक मिनट ध्यान दे, फिर से इसी का इसको पढ़े, इतना हिस्सा पढ़े वन बाय वन। और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा और आज तक सऊदी अरब में कायम है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी दुआ में रहे, मानते रहे, वो अपना मस्कन क्या करेगा, तुम्हारे दरमियान कायम रखेगा और रहेगा। आगे। और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी। अगर खुदा की रूह आपसे नफरत कर किसी काम जो करेगी मैयत ही रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, हमेशा की हलाकत। और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा। क्या करूंगा, बहुत सारी तालियां उस हमारे जो हमारे दरमियान है, और उसने वादा किया कि मैं चला फिरता रहूंगा। आगे जी। और तुम्हारा खुदा होगा और तुम मेरी कौम होगे, और तुम मेरे लोग, मेरी कौम, मेरी कलीसिया, मेरे बेटे, मेरी बेटियां होंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर मैं करता हूं आप याद रखना, हमेशा की जिंदगी के लिए मैयत के लिए नहीं। और जो कोई इस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि अब कयामत फिर आने वाली है, इसके बाद और नहीं आएगी। बार बार कड़ी बड़ी दूसरी खुदा ललकार मुकर फरिश्तों के साथ, नरसिंहों के साथ, जो जलाल के साथ फौज पूरी उतरेगी, और जो मसीह में बोए हुए हैं वो क्या होंगे, इसके लिए हमेशा की जिंदगी के लिए। और जो जिन्होंने उसे कबूल ना किया जिंदा वो भी होंगे, बल्कि हमेशा की मौत के हलाकत। आपने कहा जाना, मैंने अपनी गवाही आपको दे दी है, कलाम खुदा ने आपसे आज कर दिया, बता दिया है आपको, ललकार आपके सामने, अल्लाह सा खुदा का खादिम हूं, मैं कर रहा हूं। लेट्स आए अपने कदमों पर खड़े हो।